अपहरण की बात सुनकर पुलिस महकमों में मची अफरा तफरी। अपहृत व्यक्ति ही निकला पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड। जिले के जवा थाने में बीते दिवस एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस को मिली सूचना के बाद रीवा एवं सतना पुलिस की संयुक्त टीम अपहृत युवक की तलाश में जुट गई। और जब अपहृत व्यक्ति की तलाश पूरी हुई तो पता चला कि अपहरण की योजना का मास्टरमाइंड खुद अपहृत युवक था। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि बीते दिवस जवा थाने में राजा राम पटेल नामक युवक के अपहरण की सूचना मिली थी, जो पनवार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की मदद से अपहृत युवक की तलाश शुरू की गई। इस कार्यवाही में रीवा एवं सतना पुलिस की संयुक्त टीम भी बनाई गई थी। काफ़ी तलाश के बाद तकरीबन 9 बजे अपहृत युवक के फ़ोन चालू हुआ तो पता चला कि वह सतना रेलवे स्टेशन में है, जिसके बाद पुलिस ने उसे सतना रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर लिया। आपको बता दें कि इस दौरान अपहृत युवक के फ़ोन से 25,000 की फिरौती भी मांगी गई थी, वह भी अपहृत व्यक्ति के द्वारा मांगी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में अपहरण की योजना बनाने से लेकर फिरौती की मांग करने वाला खुद अपहृत व्यक्ति निकला है। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा जनता से अपील भी की गई है कि ऐसे गंभीर मामलों को बताकर पुलिस का समय नष्ट ना करें। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये कल जवा थाने को करीब 8 बजे के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राजाराम पटेल, उम्र 35 साल है, रहने वाला खमरिया गांव का है जो पनवार थाना क्षेत्र में लगता है। और ये कल जानकारी मिली थी, कल सुबह 10 बजे से घर से निकला हुआ था। घर वालों का कहना था कि साथ कुछ पैसे लिए हुए हैं और घर से गया हुआ है। बाद में करीब अपहृत के मोबाइल से एक जो जिसके बारे में बताया जा रहा था, सूचना जो मिली कि उसका एक मैसेज आया उसकी पत्नी के मोबाइल पे कि 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर आपके बंदे को आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सूचना थोड़ा सा संदेहास्पद लगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर सेल रीवा की टीम के द्वारा सब पतासाजी कराई गई। इसके बाद पतासाजी के दौरान जब उसका फ़ोन चालू होता है 9 बजे के आसपास, तो पुलिस को जानकारी लगती है कि उसका लोकेशन सतना रेलवे स्टेशन के आसपास है। साइबर सेल की मदद से, उसके कुछ रिश्तेदारों की मदद से जो सतना में ही रहते थे, 9 समथिंग पे उसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। पूछताछ की गई, जानकारी ली कि वही अपनी एक ऐसी कहानी बना के घर परिवार के लोगों को परेशान कर रहा था। और ये भी जानकारी लगी है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। रीवा की जनता से, रीवा के आसपास के लोगों से, पुलिस परिवार रीवा की तरफ से गुजारिश से अनुरोध है कि पुलिस को इस तरह की झूठी सूचनाओं में, इस तरह की अपहरण की बनावटी कहानियों में ना उलझाएं, पुलिस को अपना काम करने दें। इस तरह की परेशानियों के कारण से, इस तरह के आए अपहरण की जानकारियां या सूचनाओं के कारण से पुलिस लगातार व्यस्त हो जाती है। पुलिस ने पूरा टाइम जब से उसकी सूचना आई उसके लगातार पूरा रीवा जिले की पुलिस, सतना जिले की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसको पतासाजी करने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि अपहरण की कोई घटना है, लोग यहाँ छोटी छोटी बातों में पैसे के लेन देन के मामले में घर से चले जाते हैं और फिर उसके बाद परिवार के लोग अपहरण की सूचना लिखा देते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले जाते हैं और फिर दूसरा परिवार अपहरण की सूचना लिखा देता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोगों के संज्ञान में भी आई होंगी। उसमें पुलिस को निश्चित रूप से अपने सारे काम छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के उस काम में लगना पड़ता है। अतः रीवा की जनता से पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में ध्यान दें और इस तरह की किसी सूचनाओं को प्रसारित ना करें, गलतियाँ ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।